धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम बैक ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई एम लाल सिंह गविया एंड आई एम हियर टू टीच यू लैंग्वेज इंग्लिश फॉर द अपकमिंग ग्रीट एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? चलिए, तो अब जो है हमने एक पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से देख लिया है एंड आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंजंक्शंस। जिसका नाम है कंजंक्शंस, ठीक है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो न्यू टॉपिक जो है वो है हमारा कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है कनेक्टेड्स। सी कोई हम बोलते हैं लिंकिंग डिवाइसेस, लिंकिंग डिवाइसेस, ठीक है। और हिंदी में बोले तो संबंध बोधक। यहां पर इनका कार्य जो होता है वो होता है जोड़ने का। क्या कार्य होगा इनका, या क्या कार्य होता है? जोड़ना। एक ही कार्य है कंजंक्शन का और वो है जोड़ना। तो कंजंक्शंस कह लो, कनेक्टेड्स कह लो, कनेक्टिव्स कह लो, या हम कह सकते हैं लिंकिंग डिवाइसेस। तो ये जो है ये आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने जा रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, उसी तरह हम देखेंगे इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही हम कंजंक्शंस को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा थ्योरी करवाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे से, तो जो है आप बस अटेंटिव रहिएगा और जो भी मैं लिखवाऊं वो साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो बताइए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब कंजंक्शंस तो हम शुरुआत से पढ़ते आ ही रहे हैं, 500 स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंजंक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, तो इसकी डेफिनेशन है कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच विच इज यूज्ड used to join group of words, या हम बोल सकते हैं phrases, phrases, या हम बोल सकते हैं क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर, एंड सेंटेंसेस टुगेदर, यानी किस किस को जोड़ने के काम आता है ये। तो हम बोल सकते हैं ये जो जोड़ता है, ये जोड़ता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हो गया शब्द समूहों को, शब्द समूहों को जोड़ने के काम आता है, यानी शब्द समूहों को जोड़कर एक वाक्य में परिवर्तित करेगा या बनाएगा। फिर फ्रेजेस यानी वाक्यांशों को, दो वाक्यांशों को जोड़कर ये वाक्य बनाएगा। क्लॉजेस उपवाक्यों को जोड़कर, दो उपवाक्यों को जोड़कर
सेंटेंस बनाएगा या दो वाक्यों को जोड़कर ये वाक्य बनाएगा। ठीक है, वाक्यों को जोड़ना, सेंटेंसेस टुगेदर। तो कंजंक्शन का काम क्या है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। यानी इसका काम जो है वो क्या है? जोड़ने का। अब ये जोड़ेगा किस किस को? शब्द समूहों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को, या हम बोल सकते हैं वाक्यों को जोड़कर ये एक वाक्य बनाएगा। तो ये आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का ही दूसरा नाम है कनेक्टर्स, या हम बोल सकते हैं लिंकिंग डिवाइसेस। ठीक है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू ज्वाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, coffee are popular beverages। पहले तो मुझे ये बताओ यहां पर यूज किसका होगा। तो देखो, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं जैसे टी इज अ पॉपुलर बेवरेज, ठीक है, पेय पदार्थ, बेवरेज का मतलब है पेय पदार्थ। कॉफी इज अ पॉपुलर बेवरेज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब यहां इन दोनों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस है ना, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें यूज किसकी जरूरत किसकी पड़ेगी, या हम यूज किसका करेंगे? तो कंजंक्शन का। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमने क्या बना दिया? एक सेंटेंस बना दिया। तो टी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि मटीरियल है, तो मटीरियल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब, या हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो टी इज, कॉफी इज, लेकिन जब ये जुड़ेंगे किससे? एंड से। तो टी एंड कॉफी जो है वो कैसा सब्जेक्ट काउंट होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी चलेगी? प्लूरल। तो यहां इज नहीं आएगा, किसका यूज होगा? आर का। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम पढ़ भले ही कंजंक्शन रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कंजंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो अब यहां पर जो है जोड़ा कंजंक्शन अगर देखा जाए, तो कंजंक्शन कौन सा है? एंड। तो एंड इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स कह लो या टू नाउन्स कह लो, टू नाउन्स इन द अबव सेंटेंस। तो यहां हमने जो जोड़ा है वो किसको जोड़ा है, किससे जोड़ा है? टी और कॉफी को किससे जोड़ा है? एंड से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? एंड से जोड़ा है। तो एंड इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, और वो टू वर्ड्स हैं कौन कौन से? तो वो है टी प्लस कॉफी, टी और कॉफी, ये वर्ड्स हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं? टी और कॉफी। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स को हमने क्या कर लिया है? एंड से जोड़ दिया, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आर लगाया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। टी अलग है, कॉफी अलग है, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। अब अगर मैंने सेंटेंस लिखा, मनन, या इसमें हम सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, चीज सैंडविचेस,
और बग इन ब्रेकफास्ट तो यहां जो कंजंक्शन है वो कौन सा कंजंक्शन है और कौन सा कंजंक्शन है और कंजंक्शन है कौन सा कंजंक्शन है और कंजंक्शन है ठीक है तो अब ये जोड़ किसको रहा है टू फ्रेजेस को जोड़ रहा है चीज सैंडविचेस और बर्गर तो ये जो है किसको जोड़ रहा है चीज सैंडविचेस और बर्गर को या हम बोल सकते हैं अब इसमें कुछ भी हम लगा सकते हैं जैसे राइस एंड करी राइस एंड करी अगर मैंने इसको हटा के और ऐसे लिख दूं राइस एंड करी और चीज सैंडविचेस विद टी तो इस सेंटेंस में हमने जोड़ा किस किस को तो यहां ये आ गया है फ्रेज कौन सा राइस एंड करी और दूसरा आ गया है चीज सैंडविचेस विद टी अब दोनों को जोड़ा किससे है तो जोड़ा है हमने और से किससे जोड़ा है और से तो यहां कंजंक्शन के रूप में तो कौन चल रहा है और चल रहा है ठीक है लेकिन और इज यूज्ड टू जॉइन टू फ्रेजेस और इज यूज्ड टू जॉइन टू फ्रेजेस टू फ्रेजेस ठीक है कौन कौन से है फ्रेज वो तो पहला है राइस एंड करी और दूसरा आ गया हमारा चीज सैंडविचेस चीज सैंडविचेस राइस एंड करी और दूसरा है चीज सैंडविचेस विद टी चीज सैंडविचेस विद टी तो ये है हमारा दो फ्रेजेस इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने यूज किसका किया है और का अब यहां फ्रेज को दो वर्ड्स को जोड़कर एक फ्रेज बनाया किसने एंड ने किसने बनाया एंड ने लेकिन यहां और जो है वो दो फ्रेजेस को जोड़ने के काम आया है ठीक है फिर अगर मैंने सेंटेंस लिखा यहां सूजन हैड राइस एंड करी वेयर इज ज्योत्सना हैड बर्गर ज्योत्सना हैड बर्गर तो यहां पर देखो कितने क्लॉजेस को जोड़ा इसने दो क्लॉजेस को किस किस को ज्योत्सना हैड बर्गर और सूजन हैड राइस एंड करी तो यहां जो है वो कंजंक्शन कौन सा है तो वो है वेयर एज कौन सा कंजंक्शन है वेयर एज और वेयर एज जो है वो यूज किस लिए हुआ है वेयर एज यूज किसके लिए हुआ है तो इट जॉइंट टू क्लॉजेस या टू सेंटेंसेस जॉइंट टू सेंटेंसेस तो वो सेंटेंसेस है कौन से तो वो है पहला हो गया सूजन हैड राइस एंड करी और दूसरा हो गया ज्योत्सना हैड बर्गर ज्योत्सना हैड बर्गर तो यहां हम कह सकते हैं अब वेयर एज कर लो या वाइल कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों का ही अर्थ है जबकि यहां वेयर एज का मतलब क्या है जबकि तो सूजन ने क्या खाया राइस एंड करी जबकि ज्योत्सना ने क्या खाया बर्गर खाया तो यहां हम कह सकते हैं ये जो है सिर्फ काम किसका करते हैं जोड़ने का किसका काम करते हैं जोड़ने का काम करते हैं तो कंजंक्शन इज अ वर्ड
which is used to join group of words, phrases, clauses and sentences together. पहले वाले में कौन है एंड, दूसरे वाले में कौन है और, तीसरे वाले में कौन है वेयर एज. एंड ने जोड़ा टू वर्ड्स को और ने जोड़ा टू फ्रेजेस को. ठीक है, टू वर्ड्स को जोड़कर फ्रेज बनाया और उन दोनों फ्रेजेस को जोड़ा किसने, और ने, और यह हमने जोड़ा और से. और सूजन हैड राइस एंड करी, वेयर एज ज्योत्सना हैड बर्गर, तो दोनों इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा किससे हमने, वेयर एज से. वेयर एज का मतलब होता है जबकि. ठीक है, वेयर एज का मतलब है जबकि. तो ये है हमारे कंजंक्शंस. तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि कंजंक्शंस का यूज क्यों किया जाता है, कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है. अब आगे बढ़ते हैं हम. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर, पहला क्वेश्चन है. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. वो कौन कौन से हैं? तो पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शंस, तो ये थ्री टाइप्स के कंजंक्शंस हम देखेंगे. कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा हो गया सबॉर्डिनेटिंग और तीसरा हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो आप लोग जो है इनको पहले अच्छे से लिख लीजिए जल्दी से. ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो तो हमने देख लिया है. ठीक है, आज हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया वो कौन सा है, कंजंक्शंस. चलिए यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग कंजंक्शंस, यहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जल्दी से लिखिएगा. ठीक है, कंजंक्शंस को ही कनेक्टेड्स कहा जाता है और उनको ही लिंकिंग डिवाइसेस कहा जाता है. इनका काम होता है जोड़ना. फिर ये लिखिए आप लोग डेफिनेशन. जल्दी से लिखिए, साथ साथ में याद करते चलिएगा.
अब ये लिख लीजिए फटाफट ये एग्जांपल्स। अब ये लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फर्स्ट जो है वो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Coordinating conjunctions. These conjunctions are used to join two independent clauses or the clauses of equal rank or importance, equal rank or importance, या हम बोल सकते हैं coordinating suggests suggest equal rank तो अब हमने स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखो कंजंक्शंस क्या होता है, इनका काम क्या होता है, जोड़ने का। इनका काम क्या है, जोड़ना। तो ये किस किस को जोड़ते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। How many types of conjunctions are there? So there are three types of conjunctions, and they are first concept coordinating conjunctions, second subordinating conjunctions, or third correlative conjunctions. अब उनमें पहला आया हमारा coordinating conjunctions. तो ये conjunctions जो हैं, these conjunctions are used to join two independent clauses
और वी कैन से क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस, यानी ये कंजंक्शंस जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी ऐसे उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते और अपने साथ जो है पूर्ण अर्थ लेके चलते हैं। क्लॉज जो होता है वो मिलकर बनता है किससे, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो, जिसकी खुद की वर्ब हो, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो और जिसकी खुद की वर्ब हो उसे कहा जाता है क्लॉज, ठीक है, यानी उपवाक्य। तो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ता है। अब इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हुआ, तो इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब है जैसे हमने नाउन को जोड़ा नाउन से, प्रोनाउन को जोड़ा प्रोनाउन से, हमने एडजेक्टिव को जोड़ा एडजेक्टिव से, हमने वर्ब को जोड़ा वर्ब से और हमने एडवर्ब को जोड़ा एडवर्ब से। एडवर्ब को जोड़ा एडवर्ब से। तो इन कंजंक्शंस को जोड़ने के लिए जो हमें हम यूज करते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी सेम रैंक जो है उनको जोड़ने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, फिर मैंने लिखा वी एज वेल एज दे या दे एज वेल एज वी, we have already submitted the project Shalini is neither or Shalini can neither speak nor write English or we can say French, कुछ भी हम लिख सकते हैं किसी भी भाषा का नाम। फिर बात है अगर मैं लिखूं हर्षिता इज रिच एंड ब्यूटिफुल, ठीक है, फिर मैंने लिखा रिद्धिमा राइट्स नीटली एंड केयरफुली, तो देखिए पहले वाले में जो आपको दिखाई दे रहा है पहले वाले में कौन है,
एंड, दूसरे वाले में कौन सा है एज वेल एज, तीसरे में जो चल रहा है वो चल रहा है नाइदर नॉर, फोर्थ वाले में चल रहा है एंड और फिफ्थ वाले में चल रहा है एंड। अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए, पहले वाले में हमने जोड़ा किसको, नाउन से नाउन को, नाउन से नाउन को। दूसरे वाले में हमने जोड़ा प्रोनाउन से प्रोनाउन को, प्रोनाउन से प्रोनाउन को। तीसरे वाले में हमने जोड़ा वर्ब से वर्ब को, फिर हमने जोड़ा एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, और लास्ट वाले में हमने जोड़ा एडवर्ब से एडवर्ब को, एडवर्ब से एडवर्ब को। तो इनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस हम यूज में लेते हैं उनका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि जो अपना अर्थ पूर्ण अपने साथ में ही लेके चलते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं करते अपने पूर्ण अर्थ के लिए। तो दीज कंजंक्शंस आर यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और द क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक और इंपॉर्टेंस, यानी कि जिनकी इंपॉर्टेंस इक्वल हो, बराबर हो, या जो रैंक जो है वो इक्वल हो। जैसे नाउन के साथ नाउन को जोड़ा, प्रोनाउन के साथ प्रोनाउन को जोड़ा, एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव, वर्ब के साथ वर्ब, एडवर्ब के साथ एडवर्ब। बेसिकली इनका काम ये होता है, ठीक है, और ये है इनके एग्जाम्पल्स। चलिए लिख लीजिए आप लोग फटाफट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। लिख लिए सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लीजिए फटाफट सेंटेंसेस।
लिख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर, ऑफर जो है वो स्टार्ट हो चुका है 24th of October से और ये रहेगा टिल 3rd of November। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। अब उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर पाएं अप टू 90% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। अब उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर भी पाएं 90% डिस्काउंट। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। ये सारे जो हैं कोर्सेज हैं। फिर उत्कर्ष बुकशाला की ग्रेड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की बुक्स पर अप टू 80% डिस्काउंट अभी चल रहा है और स्टार्ट हो चुका है 24th of October से 3rd of November तक ये रहेगा। तो प्लीज ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल। उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर, उत्कर्ष बुकशाला की रीड की बुक्स पर अप टू 80% डिस्काउंट और ट्रिपल धमाका ऑफर 24th से 3rd of November। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 months और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ऑफर्स आ रखे हैं, आप लोग जो है इनका जरूर जो है लाभ उठाइएगा। चलिए तो बढ़ते हैं। अब हमने देखा यहां बात आ गई किसकी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो कितने टाइप्स के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर देयर। तो देयर आर 4 types ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देर आर 4 types ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड विच आर दे, दे आर फर्स्ट कॉप्यूलेटिव या उसी को हम बोल सकते हैं क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस, दूसरा ऑल्टरनेटिव या हम बोल सकते हैं डिसजंक्टिव कंजंक्शंस, तीसरा हम बोल सकते हैं एडवर्सेटिव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, लास्ट आ जाता है इलेटिव कंजंक्शंस। तो कितने टाइप्स के कंजंक्शंस हो गए हमारे, यानी 3 types के कंजंक्शंस हैं। कौन कौन से, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। फिर कोऑर्डिनेटिंग कितने टाइप्स के हैं, तो वो है 4 types के। कौन कौन से, तो वो हैं देयर आर 4 types ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कॉपुलेटिव क्यूमुलेटिव कह लो या कॉपुलेटिव कह लो, दूसरा ऑल्टरनेटिव कह लो या डिसजंक्टिव कह लो, तीसरा एडवर्सेटिव कह लो या एडवर्सेटिव कह लो, या फिर हम 4th one जो है वो है इलेटिव। कौन सा आ गया, इलेटिव। अब इसमें आपको ये नाम याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा ऑर्डरली मैनर में चलेंगे, बेहतरीन करेंगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, आप खुद शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा तो हमारा मेंटल लेवल हाई होना ही चाहिए।
तो ये अगर वर्ड्स याद कर लोगे तो ये चैप्टर और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कंजंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग है या कॉपुलेटिव है, क्यूमुलेटिव है, अल्टरनेटिव है, एडवर्सेटिव है या इलेटिव है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं, यानी कॉपुलेटिव में कौन कौन से आते हैं, डिसजंक्टिव में कौन कौन से आते हैं, या एडवर्सेटिव में कौन कौन से आते हैं और रिलेटिव में कौन कौन से। तो अभी तक आपको जो है सिर्फ जो याद करना है वो एक ही बात याद करनी है कि कंजंक्शन का काम क्या होता है। तो कंजंक्शन का काम जो होता है वो होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, चलिए अब इसमें भी अगर हम देखें तो पहला हम देखते हैं कॉपुलेटिव। कॉपुलेटिव कह लीजिए या क्यूमुलेटिव कह लीजिए, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव। अब इनका काम क्या होता है? तो दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन अ स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनदर फैक्ट और स्टेटमेंट। तो दीज कंजंक्शंस आर यूज टू जॉइन मेयरली अ स्टेटमेंट और अ फैक्ट टू अनदर फैक्ट और स्टेटमेंट। यानी कि एक कथन को दूसरे कथन को जोड़ने के लिए ही हम इन कनेक्टर्स का यूज करते हैं, कंजंक्शंस का यूज करते हैं। तो वो कौन से कंजंक्शंस हैं? तो वो है कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव। आपको कॉपुलेटिव क्यूमुलेटिव याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इनमें जो आते हैं, तो इनमें आता है बोथ या हम कह लें एंड। कौन सा आ रहा है? एंड। दूसरा बोथ एंड, बोथ एंड, एंड ऑल्सो, या अगर मैं लिखूं एज वेल एज, या मैं लिखूं नॉट ओनली बट ऑल्सो, या मैं लिखूं नो लेस देन, नो लेस देन। तो ये जो कंजंक्शंस हैं ये हमें मुख जबानी याद होने चाहिए कि इनका क्या काम है। तो इनका काम ये है कि सिर्फ ये स्टेटमेंट या फैक्ट को जोड़ने के काम आता है, कथन या किसी तथ्य को जोड़ने के काम आते हैं। वो कौन से कंजंक्शंस होते हैं? तो वो है तो कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में कौन से हैं? तो वो है कॉपुलेटिव, या हम जिनको कह सकते हैं क्यूमुलेटिव। जैसे देखिए अगर मैंने सेंटेंस लिखा समवन पुल्ड द चेन, समवन पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन, पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन केम टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट, स्क्रीचिंग हॉल्ट।
तो स्क्रीचिंग होल्ट का मतलब है कर्कश कह लो या जोरदार आवाज कह लो, कर्कश या जोरदार आवाज। तो आपने देखा भी होगा जब अगर कोई ट्रेन में चेन को पुल करता है, खींचता है, तो ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक लगवाती, ठीक है, तो उसमें बहुत जोर की क्या है आवाज होती है, वो एक कर्कश आवाज सुनाई देती है। तो यहां पर जो कंजंक्शन है वो कौन सा कंजंक्शन है, तो वो देखिए वो है एंड। तो समवन पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन केम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ी है, एंड कंजंक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, राजीव केम एंड repaired that television or radio, कुछ भी हम लिख सकते हैं, वायरलेस लिख दो, रेडियो लिख दो, टेलीविजन लिख दो। तो राजीव आया और उसने क्या किया, रिपेयर किया क्या, टेलीविजन। तो यहां पर दोनों हमने जोड़े किससे, एंड से। Both America and Israel are best friends of India. Of India. ठीक है, फिर मैं लिखूं, मिस्टर कविया एंड या मिस्टर कविया इज हार्ड ऑनेस्ट एंड हिज सन ऑल्सो। तो अब देखो इसमें कौन कौन से कंजंक्शन का यूज हुआ है, तो पहले वाले में जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम एंड का यूज, एंड का, सेकंड में भी एंड हुआ है, थर्ड में जो हुआ है वो हुआ है बोथ एंड। अब जब बोथ एंड है तो यहां वर्ब कैसी लेके चलेगा, प्लूरल वर्ब। यहां पर भी जो है वर्ब कैसी लेके चलेगा, प्लूरल। अब जैसे यहां जो इज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस मिस्टर कविया, यानी कि ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर। लेकिन यहां पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है एंड ऑल्सो का, एंड ऑल्सो का। तो हमने अभी देखा किस किस का पेयर बनता है, तो देखो एंड अकेले आ सकता है, बोथ के साथ पेयर बनाएगा, या फिर एंड बनाएगा ऑल्सो के साथ, एंड ऑल्सो, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो लेस देन। तो पहले तो आप लोग ये लिख लीजिए जल्दी से, ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब ये लिख लीजिए आप लोग, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज सन। लिख लिया सबने? चलिए नेक्स्ट। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, दिस जॉब इज बोथ लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, जिसमें लाभ ही लाभ मिलता हो या जो लाभप्रद हो। बोथ लुक्रेटिव एंड इंटरेस्टिंग, यानी रोमांचक हो, जिसको करने में आनंद की प्राप्ति होती हो। तो ये जो जॉब है, टीचिंग जॉब जो है, वो लाभप्रद भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मेहनत जरूर है, लेकिन दोनों ही इसमें प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है टीचर्स पर। अब देखिए, फिर हम बात करें हिज स्टेटमेंट्स आर, नॉट ओनली लॉजिकल बट ऑल्सो इरिफ्यूटेबल। इरेफ्यूटेबल का मतलब होता है अखंडनीय या अकाट्य, जिसको काटा नहीं जा सके या जिसका खंडन किया नहीं जा सके। तो उसके जो कथन होते हैं वो अकाट्य होते हैं, अखंडनीय, यानी कि वो लॉजिकल बात करता है, ठीक है। उसकी बातों को काटा नहीं जा सकता, वो एकदम टू द पॉइंट और बिल्कुल परफेक्ट बात करता है। फिर मैं अगर लिखूं, आई एम नो लेस ओब्लाइज्ड टू द वोटर्स देन टू माय पार्टी या टू द पार्टी। इसका मतलब ये हुआ, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या है? आभारी। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या है? आभारी। तो आई एम नो लेस ऑब्लाइज्ड टू द वोटर्स देन टू द पार्टी, या मैं कह सकता हूं कि जैसे आई एम ऑब्लाइज्ड टू द पार्टी, आई एम ऑब्लाइज, या हमने लिख दिया आई एम ऑब्लाइज टू माई वोटर्स या टू द पार्टी, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। आई एम
obliged to the party, और एक क्लॉज है आई एम इक्वली obliged to my voters, यानी दोनों के लिए मैं जो हूं वो समान आभारी हूं। अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया ही नहीं होता तो मैं इलेक्शन कैसे लड़ता, और अगर मुझे वोटर्स ने वोट दिया ही नहीं होता तो मैं जीतता कैसे। तो इसलिए दोनों के लिए मैं समान रूप से क्या हूं, आभारी हूं। तो जितना आभारी मैं वोटर्स का हूं उतना ही आभारी मैं पार्टी का हूं, या जितना आभारी मैं पार्टी का हूं उतना ही आभारी मैं वोटर्स का हूं। ठीक है, तो यहां बात आई है नो लेस देन की। किसकी बात आ रही है? नो लेस देन की। ठीक है, तो यहां हमने यूज किसका किया है, देखो पहले वाले में बोथ एंड, बोथ के साथ में एंड, फिर आया हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर आया हमने जो लिखा है वो लिखा है नो लेस देन, नो लेस देन। तो ये है हमारा आज का सेशन, एक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है, तो वो टॉपिक स्टार्ट किया हमने कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, कंजंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया। कंजंक्शंस को दूसरे शब्दों में कनेक्टेड्स या लिंकिंग डिवाइसेस, इनका काम होता है जोड़ने का। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हमने, ये किसको जोड़ते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। फिर ये हमने एग्जांपल्स देखे, उसके बाद हमने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंड दे आर कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। फिर हमने देखे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस स्टार्ट किए, ये कंजंक्शंस क्यों यूज होते हैं, तो दे आर यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और द क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक्स और इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेटिंग सजेस्ट इक्वल रैंक, फॉर एग्जाम्पल नाउन प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वर्ब वर्ब, एडवर्ब एडवर्ब। फिर हमने ये एग्जाम्पल्स देखे, उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर देयर, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शंस कितने हैं, तो थ्री टाइप्स, कोऑर्डिनेटिंग कितने हैं, तो फोर टाइप्स, वो कौन कौन से, कॉपुलेटिव, ठीक है, फिर ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। इनमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट है जो कॉमनली क्वेश्चन आता है तो वो आता है एडवर्सेटिव, हम तो देखेंगे तो सभी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं वो एडवर्सेटिव। अगर देखा जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्राइटेरिया से तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉपुलेटिव, क्योंकि हमने देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एंड देखा, एज वेल एज देखा, नॉट ओनली बट ऑल्सो देखे, तो एंड से जुड़ता है तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्ब को लेके चलता है, डिपेंड करता है कि आर्टिकल कितनी बार यूज हुआ है, पजेसिव्स कितनी बार यूज हुए हैं उनसे पहले, और वहां यूनिट की तरह यूज हो रहा है या फिर डिवाइडेड है, वो डिपेंड करता है वो सेंटेंस पर। ठीक है, एंड से जोड़ते हैं तो हमने सिंगुलर वर्ब भी यूज किया और प्लूरल वर्ब भी यूज किया। फिर एज वेल एज वाली टेबल में पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एज वेल एज और प्रेपोजिशन से जुड़ता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्राइटेरिया से। तो कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, ये सिर्फ जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, तो ये सिर्फ आते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट या एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से जोड़ने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं, तो एंड अकेला आ सकता है, एंड पेयर बनाएगा तो बोथ के साथ, एंड ऑल्सो, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो लेस देन, और फिर हमने ये सेंटेंसेस देख लिए। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।